दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स में। आज के इस वीडियो में हम आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको भी माता का बुलावा आया है और आप यात्रा करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी यात्रा को ठीक ढंग से प्लान करने में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें हमारे लेटेस्ट ट्रैवलिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे पिछले वीडियो में हमने जम्मू से कटरा तक की ट्रेन यात्रा की, जिसमें मैंने आपको भारत का सबसे सुंदर रेल मार्ग दिखाया। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए अपने आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। माता वैष्णो देवी जी का मंदिर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप त्रिकूट पहाड़ियों पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला धार्मिक तीर्थस्थल है। दोस्तों कल शाम को जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने रुकने के लिए स्टेशन से कुछ दूरी पर स्थित एक होटल में स्टे किया। सुबह होते ही अपने होटल के टेरिस पर जाकर हमने त्रिकूट पर्वत के बहुत ही सुंदर दर्शन किए, जहाँ से हमें अर्धकुमारी माता जी का मंदिर साफ दिखाई दे रहा था। यात्रा आरंभ करने से पहले मैं आपको यहाँ पर रहने के एकोमोडेशन के बारे में बताता हूँ। कटरा रेलवे स्टेशन से निकलते ही आपको बहुत सारे ऑटो रिक्शे वाले मिल जाते हैं, जो आपसे लगभग 100 रुपये चार्ज लेकर कटरा बस स्टैंड तक ड्रॉप करते हैं। जहाँ पहुँचते ही आप देखेंगे कि बहुत सारे गेस्ट हाउस और होटल्स बने हुए हैं। यहाँ आपको लो बजट से हाई बजट तक के होटल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यदि आप यहाँ पर ऑफ सीजन आ रहे हैं तो आपको रूम की अवेलेबिलिटी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप मई जून या किसी फेस्टिवल के समय यहाँ आते हैं तो आपके लिए एडवाइजेबल हुआ कि आप अपने होटल की ऑनलाइन बुकिंग करा कर ही यहाँ पर आएँ। अपने होटल से कुछ दूरी पर जाकर मैंने पता किया, यहाँ पर श्राइन बोर्ड के कई कॉम्प्लेक्स भी बने हुए हैं। इनके पास बहुत सारे अलग अलग बजट में रूम्स और डॉर्मेट्री अवेलेबल हैं। आप यहां पर लिस्ट में देख सकते हैं, यदि आपको डॉर्मेट्री चाहिए तो 100 रुपीज़ पर पर्सन, अगर आपको कुछ घंटे के लिए रहना है तो उसके लिए भी अलग सुविधा उपलब्ध है। यदि आपको रूम चाहिए तो आपको डबल ऑक्यूपेंसी में लगभग 1450 रुपये के आसपास एक दिन के लिए रूम मिल जाता है। आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इन रूम्स की बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहां से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वैष्णो देवी माता की यात्रा शुरू करने से पहले आपको यात्रा पर्ची की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी सुविधा आपको कटरा बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगी। यहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यात्रा पर्ची की सुविधा दी जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। कटरा बस स्टैंड से बाणगंगा एंट्री पॉइंट तक के लिए फुल ऑटो का चार्ज लगभग 200 रुपये है। वैसे ज़्यादातर जिन होटलों में आप स्टे करेंगे उन्हीं होटल की कैब आपको बाणगंगा एंट्री पॉइंट तक पिकअप और ड्रॉप फ्री ऑफ कॉस्ट में करते हैं। माता के दरबार तक जाने के लिए ज़्यादातर लोग पैदल मार्ग ही चुनते हैं, लेकिन अगर आप बुज़ुर्ग हैं या आप लोग अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं तो आप लोग घोड़े, खच्चर या पालकी का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पता किया, यदि आप घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो आप लगभग 2.5 से 3 घंटे में भवन पहुँच सकते हैं, जिसका एक साइड का चार्ज लगभग 1250 रुपये है। यदि आप पिट्ठू लेकर जाना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 540 रुपये है। यदि आप पालकी में जाना चाहते हैं तो आपको एक साइड का 3150 रुपये पे करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भवन तक जाने की भी फैसिलिटी दी गई है। यदि आप कटरा से भवन तक हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको एक तरफ का 1045 रुपये पे करना होगा, जिसकी टिकट आप कटरा से या ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से जाकर बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांझी छत पर आपको ड्रॉप करता है। अब हम बाणगंगा चेकिंग पॉइंट से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कई सालों पहले गुलशन कुमार जी ने बाणगंगा के पास लंगर की शुरुआत की थी। आप यहां पर लंगर ग्रहण कर सकते हैं, जिसका समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक
और शाम को 6 बजे से रात के 9 बजे तक का होता है। दोस्तों, यहाँ से अर्धकुमारी मंदिर तक जाने के दो रास्ते हैं। एक तो यह रास्ता जिससे आप सीधे चले जाएं, और दूसरा जो एक नया मार्ग है जिसे ताराकोटा मार्ग कहते हैं। इन दोनों मार्गों में सिर्फ इतना अंतर है कि यदि आप पहले रास्ते से जाते हैं तो आपको चरण पादुका के दर्शन करने को मिल जाएंगे, और नए रास्ते से जाने पर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराने रास्ते से अर्धकुमारी मंदिर तक का सफ़र लगभग 5.5 किलोमीटर का है, और नए रास्ते से जाने पर यह 7 से 7.5 किलोमीटर के बीच का है। पुराने रास्ते से जाने पर आपको थोड़ी खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी, और नए रास्ते से जाने पर आपको ज़्यादातर प्लेन रास्ता मिलेगा। आज की यह यात्रा हम अपने पुराने मार्ग से ही कर रहे हैं। बाणगंगा सिक्योरिटी चेक पॉइंट से लगभग 300 मीटर की यात्रा करके बाणगंगा स्थल तक आ चुके हैं। दोस्तों, यह वही जगह है जहां पर माता वैष्णो देवी जी ने तीर चलाकर जल की धारा निकाली थी। बाणगंगा से लगभग 1 किलोमीटर आगे आने पर यह गीता मंदिर घाट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग स्नान कर रहे हैं। चलिए अब यहां से आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों, यह है गीता मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं। बाणगंगा मेन स्थल से कुछ दूरी तय करके हम चरण पादुका तक पहुंच चुके हैं। हमने मंदिर में जाकर बहुत ही अच्छे दर्शन किए। यहां से आगे की ओर बढ़ने पर आपको एक सीढ़ियों का मार्ग भी मिलेगा। देखिए, यहां लिखा हुआ है इन सीढ़ियों की संख्या 526 है। यदि आप बुजुर्ग हैं या हृदय रोगी हैं तो कृपया इन सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, यदि आप इन सीढ़ियों का प्रयोग जाते हुए ना करके सीढ़ियों से उतरते हुए करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, अभी हम कटरा से कुछ किलोमीटर का सफ़र तय करके ही ऊपर आए हैं। देखिए, यहाँ से कटरा शहर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। लगता है बस कुछ देर यहाँ बैठें और यह व्यू एंजॉय करें। भवन के रास्ते आगे की ओर चलने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर श्राइन बोर्ड के जगह जगह पर छोटे भोजनालय बने हुए हैं। अभी हम इंद्रप्रस्थ भोजनालय में रुके हैं। यहाँ पर खाने की बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं जिनके प्राइस काफ़ी रीजनेबल हैं। आप थोड़ी देर यहाँ रुकें, उसके बाद अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। दोस्तों, हम अर्धकुमारी मंदिर तक पहुंच चुके हैं। यदि आप यहां पर रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आप यहां के रूम्स की ऑनलाइन बुकिंग कटरा से या श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से करा सकते हैं। अर्धकुमारी मंदिर पहुंचकर यदि आप आगे की यात्रा घोड़े या खच्चर से करना चाहते हैं तो उसका चार्ज लगभग 650 रुपये है। घोड़े या खच्चर से यात्रा करने पर आप 1 से 1.5 घंटे में भवन तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अर्धकुमारी मंदिर में गुफा के दर्शन करने के लिए आपको कई ग्रुप्स में अंदर जाने के लिए दिया जाता है। इसके लिए आपको पर्ची लेनी पड़ती है। यहाँ पर मई जून के सीज़न में गुफा में दर्शन करने के लिए आपको कभी कभी 8 से 10 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। दोस्तों, गर्भ जून गुफा में माता वैष्णो देवी जी ने लगभग 9 महीने तक कन्या के रूप में तप किया था। जय माता दी। दर्शन करने के बाद चलिए आगे की यात्रा अपनी कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहां से भवन की ओर चलने पर आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जो ऊपर से होकर जाता है जिसे हाथी मत्था मार्ग कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। यह रास्ता लगभग 6.5 किलोमीटर लंबा है। और एक दूसरा मार्ग है जिससे आज हम यात्रा कर रहे हैं, जिसे हिमकोटी मार्ग कहते हैं। उस रास्ते से भवन की दूरी लगभग 5.5 किलोमीटर है। वह रास्ता आपको ज़्यादातर प्लेन ही मिलेगा। चलिए अब भवन की ओर चलते हैं। दोस्तों, आप अर्धकुमारी मंदिर से मुख्य भवन तक बैटरी कार सेवा के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। मैंने यहां पता किया कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 3 लोगों की टिकट ही बुक करा सकता है। उस टिकट का पर पर्सन चार्ज 354 रुपये है। बैटरी कार के द्वारा आप लगभग 20 मिनट में भवन तक पहुँच सकते हैं। अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूरी आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि बाणगंगा से अर्धकुमारी मंदिर पहुंचने का जो दूसरा मार्ग खोला गया था वह यहां आकर मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लौटते समय यदि आप अर्धकुमारी के आगे पैदल यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आप इस ताराकोटा मार्ग के द्वारा आप बाणगंगा तक बाई कैब जा सकते हैं।
भवन की ओर आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि श्राइन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जगह जगह पर छोटे छोटे स्पीकर लगाए गए हैं, जिसमें माता रानी के गीत भेंट 24 घंटे तक बजते हैं। आप माता के गीत सुनते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। हम हिमकोटी तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। यहां से आप भवन का व्यू देखिए, कितना सुंदर नजर आ रहा है। यहां पर कुछ देर रुकते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, यात्रा करते समय आप किसी भी तरह का हैंडबैग कैरी ना करें। रास्ते में आपको काफी बंदर मिल सकते हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, तो आपके लिए यह एडवाइजेबल होगा कि आप अपनी यात्रा पिट्ठू बैग से करें। हम भवन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ से आप भवन के दर्शन कर सकते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। आपने कटरा से जो यात्रा पर्ची निकलवाई थी, वह आपको भवन से कुछ दूरी पहले यात्रा पर्ची काउंटर में जमा करानी होती है, तभी आप आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों हम भवन तक पहुंच चुके हैं। दोस्तों भवन के आसपास श्राइन बोर्ड के धर्मशाला और होटल बने हुए हैं। यदि आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है तो आप यहां स्टे कर सकते हैं। यदि आपने इसके पहले बुकिंग नहीं कराई है तो आपको यहां पर रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहां पर मैंने पता किया कि जो लोग ऑनलाइन रूम बुकिंग कराकर नहीं आते हैं, उनके लिए कुछ धर्मशाला बनाए गए हैं जो आपको ऑफलाइन सुविधा देते हैं, जैसे कि गौरी भवन। आप वहां पर नाइट स्टे कर सकते हैं। भवन के आसपास ही बहुत सारे लॉकर रूम्स की भी सुविधा दी गई है, जिनमें आप अपना लगेज जमा करा सकते हैं। अभी हम माता के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों हमने वैष्णो देवी माता के पिंडी रूप में बहुत सुंदर दर्शन किए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पुरानी गुफा यात्रियों के लिए तब खोली जाती है जब यात्रियों की संख्या काफ़ी कम होती है। यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने पर वह गुफा बंद ही रहती है। उस समय आपको नई गुफा से ही अंदर जाना पड़ता है और तब आप माता के दर्शन कर पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आते हैं तो आपकी यात्रा तब पूरी होती है जब आप भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको भैरव मंदिर के दर्शन कराता हूँ। भैरव मंदिर तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो पैदल मार्ग से आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं और दूसरा यहां पर भैरव मंदिर तक के लिए रोपवे की भी सेवा शुरू की जा चुकी है, जिसके आने और जाने दोनों का किराया लगभग 100 रुपये है। तो चलिए अब रोपवे से भैरव मंदिर की ओर चलते हैं। दोस्तों यहां पर रोपवे की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक की होती है। जो आप टिकट खरीदते हैं उस टिकट की वैलिडिटी 2 घंटे की होती है। 2 घंटे के अंदर ही आपको भवन की तरफ दोबारा आना होता है। दोस्तों वैष्णो देवी माता की यात्रा दिन में 24 घंटे तक चलती है। सुबह 7 से 8 और शाम के 7 से 8 यहाँ पर आरती होती है। उस समय यहाँ पर यात्री दर्शन नहीं कर सकते हैं। यदि आप भी आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आरती में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दोस्तों अभी हम मंदिर में दर्शन करके आए, यहाँ पर हमने भैरव बाबा के शीश के दर्शन किए। दोस्तों भैरव मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर यात्रियों के लिए कुछ देर आराम करने के लिए ओपन स्पेस दिया गया है। आप यहाँ पर कुछ देर रुकें और बाहर के सीनिक व्यूज एंजॉय करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ से भवन का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि आपको सांझी छत बिल्कुल साफ नजर आती है। यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए रुकते हैं और फिर नीचे भवन की ओर चलते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने में अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सही जानकारी दी जा सके। यदि आप इस यात्रा से रिलेटेड और कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। दोस्तों भैरव मंदिर से बाणगंगा चेकिंग पॉइंट तक पहुंचने में हमें लगभग 4 घंटे का समय लगा। अब हम वहीं पहुंच चुके हैं जहां से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।
दोस्तों ऐसे ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी आने वाली वीडियोस देखना ना भूलें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।